नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिले के अंजड़ में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कृष्णपाल चौधरी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल मोदी के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव को रद्द करने की अपील करी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता दीपेश सिंह इलू ठाकुर का कहना है कि एक तरफ प्रदेश सरकार धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखी है, दूसरी तरफ अपनी ड्यूटी वाहवाही के लिए अन्न महोत्सव मनाने जा रही है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, ऐसे आपदा के समय इस प्रकार के महोत्सव मना कर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही गाइडलाइन सिर्फ आम जनों के लिए ही जारी की जा रही है। युवा कांग्रेस से मांग करी है कि या तो तत्काल प्रभाव से ऐसे आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा, शिव डोला, शिव विश्व आदिवासी दिवस एवं मोहर्रम जैसे सभी आयोजनों की भी अनुमति राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय दे। ज्ञापन का वाचन युवा कांग्रेस नेता रितेश धनगर ने किया। इस दौरान यह बात कही कि यदि आयोजन रद्द नहीं किया जाता है तो आयोजन के दौरान यदि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर जिला कलेक्ट्रेट के आदेश अनुसार प्रशासन के द्वारा धारा 188 के तहत कार्रवाई नहीं की जाती एवं साधारण आमजनों पर ही कार्रवाई की जाती है, युवा कांग्रेस उसका विरोध करेगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुनील भाई पाटीदार, ओम दादा शर्मा, मुजीकर खान, हाजी इनायतुल्ला, हाबा भाई दरबार, जितेंद्र फोगला, निकी ठाकुर, नीति सोनी, रितेश धनगर, विजय सनोठिया, विमल अगलेचा, राजीक शेख, नईम कुरेशी, मुकेश मंडलोई, मुकेश शारदिया, लोभी राम धनगर, हुकुम सरपंच आदि उपस्थित रहे हैं। दीपेश सिंह, और आज ये तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपना किस विषय में आया? जिस प्रकार से आपदा के समय में भारतीय जनता और राज्य केंद्र सरकार महोत्सव का आयोजन कर रही है, उसके विरोध में हम इसका ज्ञापन हमने दिया है। क्योंकि धार्मिक आयोजन पर रोक लगाए, आपने देखा कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाई, आपने देखा कि मुहर्रम पर आयोजनों पर रोक लगाए जा रहे, एक तरफ धार्मिक और आम जनों पर आयोजनों पर रोक लगा रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार इस प्रकार के महोत्सव मनाकर जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाकर अपना झूठा प्रसार कर रही है। हमारा विरोध है। ये जो कोरोना काल है ये आपदा का समय है, ये प्रचार का समय नहीं है। मेरा राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन है कि लोगों की मदद पहले भी की जाती थी, ये अनाज पहले भी मिलता था और गरीबों तक पहुंचता था, फिर ये आयोजन किस लिए किया जा रहा है? क्या घर घर आपका प्रचार पहुंचे सिर्फ इसलिए ये आयोजन किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ ये भीड़ एकत्रित कर रही है? इस प्रकार के आयोजन का यूथ कांग्रेस विरोध करती है, क्योंकि इस देश और प्रदेश में हम नहीं चाहते कि कोरोना की तीसरी लहर आए और जो जनहानि पिछले समय में हुई थी वो दोहराया जाए। इसलिए हम अभी से राज्य और केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि अपना प्रचार बंद करें और सिर्फ मदद करने का काम करें। हम उसका स्वागत करते हैं, कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइंस दी है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन विरोध इस बात का है कि सिर्फ आम जनों पर 188 का कार्रवाई की जाती है, आम जनों के लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरकार और इनके आयोजन में प्रशासन और शासन मिलकर आयोजन करता है, इस बात का हमारा विरोध है। क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि जो अन्य महोत्सव है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, सामान्य रूप से जो अनाज बढ़ता था वो अनाज बढ़ता जाए, और यदि ये आयोजन होता है तो इसी के बहाव पर कांवड़ यात्रा को भी अनुमति दी जाए, इसी के आधार पर कलेक्टर महोदय जो मुहर्रम निकालना जाता है उसको भी अनुमति दी जाए, और तमाम धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनको भी फिर इसी के आधार पर आयोजन दिए की अनुमति दी जाए। आगे जरा कम ना गया राज, आज गत दिवस एक विषय सामने आया है कि पूरे देश और प्रदेश में एक तरफ कोरोना गाइडलाइंस को जारी की गई है, कोरोना की दूसरी लहर सामने आ रही है, साथ में इस आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र राज्य की सरकार को कहीं ना कहीं उत्सव मनाकर अपना झूठा प्रसार करने की कोशिश की जा रही है, और अन्य महोत्सव पहले भी मनाकर वितरण किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा हो, मुहर्रम हो, तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए गली गली में टोली बनाकर निकलने के आदेश दे रही है, 100 लोगों से ज़्यादा को एक जगह एकत्रित करके राशन वितरण के लिए महोत्सव का आयोजन करवा रही है। इसके विरोध में यूथ कांग्रेस माननीय केपी सिंह चौधरी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है युवक कांग्रेस, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का विरोध करती है। मैं माननीय हमारे बड़े भाई और विधानसभा अध्यक्ष कृष्णपाल चौधरी जी से निवेदन करूंगा, वो आए और महामहिम राज्यपाल के नाम पर जो अपना ज्ञापन है उसको पढ़े।
विषय अन्न महोत्सव रद्द करने की सरकार की बोला है। विषय अंतर्गत निवेदन है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, इसके संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार खुले रूप से इस आदेश की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ देश और प्रदेश कोरोना संकट से अभी उभरा नहीं और राज्य और केंद्र सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े महोत्सव मना रही है, ग्राम शहर में गली गली टोली बनाकर प्रचार करने की अपील कर रही है। सामान्य रूप से बटने वाले अनाज को दिखावा कर महोत्सव मनाकर भीड़ एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ धार्मिक आयोजन, कावड़ यात्रा, शिव डोला, मुहर्रम जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। जब राज्य सरकार इस तरीके का आयोजन कर नियम की धज्जियां उड़ाएगी तो जनता को किस प्रकार से समझाया जाएगा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि राज्य में कोरोना महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आयोजन पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। अंजड़ से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।